नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है हुमा और जोहरा खातून। जोहरा खातून साहबा, थोड़ा सा इंतजार, पहले हुमा से मुखातिब है। फरमाइए बहन, सवाल क्या है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आप दोनों अजीम लोगों से मैं दोबारा बात कर रही हूँ। तो आपने वो जहेज के लिए मैंने जो बोला था ना, इतनी तफसील से सर ने बताया और खुद का खुद के घर का एग्जाम्पल दिया, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई। आप लोग इतने डाउन टू अर्थ हैं कि इतनी बड़ी अल्लाह ने आपको मुकाम बख्श रखा है, उसके बाद भी कोई तकब्बुर नहीं, बहुत बड़ी बात है। मुझे क्या, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं, उन लोगों को भी सीखने को मिल रहा है आप लोगों से। तो मैं जितना शुक्र करूँ उतना कम है। शुक्र तो वैसे अल्लाह का है, लेकिन आप लोग भी जरिया बन रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए हुमा। और एक छोटे जी जी, इससे पहले कि आपका सवाल हम शामिल करें, बहुत शुक्रिया आपके नेक और पाकीज़ा जज्बात के लिए, लेकिन एक जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया वो सिर्फ अल्लाह के लिए है। मेरी प्यारी बहन, अजीम और तमाम तर अजमतें सिर्फ अल्लाह के लिए, हम अल्लाह के अदना से बंदे हैं और उसी के दिए हुए अदना से इल्म को लोगों तक आम कर रहे हैं। या माशाल्लाह मजाज साहब को अल्लाह ताला ने जो इल्म कसीर अता किया है वो अपनी रहनुमाई के जरिए लोगों को फैज पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके मोहब्बत के लिए, खुलूस के लिए, लेकिन ये लफ्ज सिर्फ अल्लाह को जेब देता है और अल्लाह के लिए ही इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने पहले वही बोल दिया था कि मतलब मेन सोच तो अल्लाह का ही है ऑब्वियसली। बिल्कुल, आप लोग जरिया बन रहे हैं, आप लोगों के अंदर तकब्बुर नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है हम अल्लाह के अदना से बंदे हैं। जी बताइए हुमा, सवाल क्या है आपका? जी मैम, मैं ये बोल रही हूँ, सवाल ये है मैम, जैसे सपोज कीजिए जब जिम्मेदार लोग फौत हो गए हैं किसी फैमिली में, मैं बात कर रही हूँ पेरेंट्स की जी, तो मैम अगर भाई है, बड़ा भाई है जो कि जॉब कर रहा है, ऐसा नहीं कि उनके वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अब वो छोटे भाई बहनों के साथ उनकी नीड्स पूरी कर रहे हैं, जैसे जरूरतें, मैं वांट्स की बात नहीं कर रही, सिर्फ नीड। हाँ। तो क्या वो नीड उनकी मतलब इस्लाम में वो एहसान माना जाएगा उनका, या फिर उन्हें करना चाहिए? हुमा के सवालात हमेशा बहुत अच्छे होते हैं, अल्लाह ताला आपके इल्म में और इजाफा करे, बहुत अच्छे सवालात होते हैं बहन। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जोहरा साहिबा की कॉल ले रहे हैं जी, बताइए क्या सवाल जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हैं जी। फरमाइए। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। पहले तो माफी मांगेंगे, कोई ऐसा गलती सवाल हो जाएगा तो माफ करिएगा दिल से, ठीक है? नहीं बहन, ऐसा नहीं होता जी। हाँ जी, मेरा सवाल यही है कि वो जी बनाते हम लोग बैठ के, तो मेरा घुटनों में दर्द रहता है, अब पूरा बदन हाथ मुंह धो लेते हैं बैठ के, या पैर धोने में हमको एक पैर धोने में तो एक पैर पर बैठने पड़ता है, तो बैठ नहीं पाते हैं, मैं झुक के पैर धोते हैं, तो क्या मेरा ओजू में कोई फर्क होगा? और एक सवाल है मेरा, मेरा पोता है 19 साल का, बाहर पढ़ता है गोपाल में, उसका किडनी में पथरी हो गया है, तो हम लोग सरकार देने चाह रहे हैं, तो वो वहाँ पर दे अपना हाथ से या हम लोग यहाँ दे, कौन सा बेहतर होगा? सुनिएगा जी मजा साहब, तो सदके का जो मामला है तो कहीं भी दे सकते हैं अल्लाह के बंदों में, ज्यादा बेहतर यह है कि अपने गरीब रिश्तेदार हों तो उन्हें दें, तो इंशाल्लाह ताला उसका डबल अजर मिलता है, सिला रहमी का भी और सदके का भी जी। वजू का जो मामला, वजू का जो मामला है, बिल्कुल ये खड़े होके ही वजू कर सकती हैं, और जो इनकी तो मजबूरी है, वजू इंशाल्लाह सब हो जाएगा। वजू की जो क्राइटेरिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है वो अलग है, फराइज अलग, सुन्नत अलग, इसमें खड़े हो गया बैठ के नहीं कुछ आता जी। शकील भाई से भी बात करेंगे, लेकिन हुमा का सवाल बहुत अहम है, क्या ये चीजें अपने छोटे भाई बहनों की, अगर उनकी जरूरियात पूरी कर रहे हैं, उनकी लग्जरी नहीं, उनकी ख्वाहिशात नहीं, जरूरियात, तो क्या ये एहसान में शामिल? ना ना ना, वो तो बड़े भाई की जिम्मेदारी है, बड़ा भाई तो बाप की जगह होता है, और बाप ले लेने के बाद अल्लाह ने वो जिम्मेदारी ऑटोमेटिकली इनके कंधों पे डाल दी है, तो उन्हें एहसान नहीं जताना चाहिए, बल्कि उन्हें बहुत इंकसारी अराजगी के साथ अपने बच्चे समझ के इन्हें पालना चाहिए। लेकिन हुमा या और छोटे जो बच्चे हैं उन्हें भी इनका एहसान मानना चाहिए, दिल से थैंकफुल फीलिंग, क्योंकि हुजूर ने बात फरमाई है कि जो बंदों का भी एहसान नहीं मानता वो अल्लाह का भी एहसान नहीं मानता, उन्हें एहसान जताना नहीं चाहिए लेकिन इन्हें मानना चाहिए। हाँ, और उसका इजहार जो है वो मोहब्बत से, अपनाइयत से, इज्जत से, तकरीम से करना चाहिए, उन्हें तकरीम दें, उन्हें इज्जत दें, और मतलब इंशाल्लाह ताला आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल आर्गुमेंट ना करें, ज्यादा बहस ना करें कि आप क्या कर रहे हैं, प्यार से उन्हें समझाएं। शकील भाई और शायस्ता, शकील भाई पहले आपसे मुखातिब है, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा था, मजा था आपसे पूछने की, मेरे बाएं पांव में घुटने से लेके और नीचे गट्टे तक बाहर की साइड यानी लेफ्ट साइड में ही दर्द होता है जी, और दौरान नमाज ज्यादा होता है या बैठने के वक्त, नसों में खिंचाव भी है शकील भाई? जी जी, नसों में खिंचाव भी है, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। और भी कोई सवाल है क्या? शाइस्ता साहब आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मेरे जो हस्बैंड है उनकी कमर में दर्द था काफी दिनों से, अब उनकी टांग में भी दर्द है उल्टी वाली में, हाँ। तो उसके लिए कुछ बताइए। अच्छा डॉक्टर को दिखाया था तो बताया कोई नस दबी हुई है जी, तो आप कुछ दवा भी बताएं और कुछ दवा भी बताएं। इन दोनों का मसला एक ही क्या? जी 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 जी। और मेरे घुटनों में बहुत परेशानी है, जब मैं बैठ जाती हूँ तो खड़ा होना मुझे दिक्कत होती है, अब काफी देर खड़ी रहती हूँ तो मुझसे बैठा नहीं जाता। ठीक है, पहले अपने हस्बैंड के बारे में सुनिए और शकील भाई का सवाल वो भी साथ ले लें मजा सा। हाँ, ये शायदी का भी कहलाता है, कई बार नस कोई दब जाती है तो उसके लिए दोनों ये नोट कर लें, 1000 बार तो या सलाम या अल्लाह, ये तो इनकी तस्वीर है, चलते फिरते पढ़ सकते हैं, और कमर के नीचे रोज 10 मिनट तकिया रखा करें। तीसरी बात यह है कि हल्दी वाला दूध रात में पिए, कूट मिट्टी मेहंदी पत्ता कलौंजी पिसवा के रखें, 1 चम्मच दोनों टाइम खाने के बाद लें। एक काम ये करें कि 1 गिलास पानी में 3 लौंग 3 काली मिर्च थोड़ा सा नमक डाल के उसे अच्छे से पका लें, जब पक के पानी थोड़ा कम रह जाए छान के वो पानी पी लिया करें, इंशाल्लाह ताला रग इनकी खुल जाएगी। एक डाक की कनी आती है मेरे भाई, अगर आप देसी दवाई वालों को कहोगे डाक की कनी, दोनों लोग सुन लें, वो ले लें और उसे थोड़ी देर भिगो के और फिर उसे सरसों के तेल में मिला के वो लगाया करें उस जगह पे जहां से दर्द शुरू होता है, कूल्हे पे भी टांगों पे भी, लेकिन वो कपड़ों को लाल कर देती है इसलिए पुराने कपड़े पहन के सोएं। तस्वीर मैंने बता दी, इंशाल्लाह ताला 15 दिन के अंदर अंदर दोनों ठीक हो जाएंगे। शबीना से भी बात करेंगे, लेकिन शाइस्ता साहब आपके घुटनों में जो तकलीफ है उसके लिए क्या करें? हाँ, उसके लिए कूट मिट्टी मेहंदी पत्ता कलौंजी पिसवा के 1 चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम, हल्दी वाला दूध रात को, जैतून का तेल 1 चम्मच सोते हुए रात को पीना है, 1 चम्मच शहद 2 चम्मच सेब का सिरका सुबह शाम 1 गिलास गर्म पानी में पिए, 1000 बार या सलाम या अल्लाह। जी, सना और रफीरा साहबा के सवालात महफूज हैं, शबीना कानपुर से। बताएं शबीना साहबा सवाल क्या है? हेलो जी बहन, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, मेरे बाजू ना लड़की के ना मेरी उसके घबराहट के मारे बोल भी नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं, आराम से बोले, वक्त है आपके पास। मेरी ना बेटी की नाप उखड़ गई है, बहुत ज्यादा उसकी तकलीफ हो रही है और इतनी परेशान हो रही है, हर वक्त उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। ठीक है, थोड़ा सा जी, थोड़ा सा इंतजार। लूज मोशन तो नहीं है? शबीना साहब फोन लाइन पर मौजूद है? जी 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 मौजूद है जी। उसे लूज मोशन हो रहा है क्या? हाँ हाँ हो रहा है, उसको लूज मोशन भी हो रहा है। मैं बताता हूँ। अच्छा, एक आप कह रही थी सवाल और भी है, क्या सवाल है? रास्ता नहीं रहा लगता है। हसीना साहब आप बताएं आपका सवाल क्या है। हसीना साहबा नासिक से फोन लाइन पर मौजूद हैं आप? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बहन। जी मेरे घर में ना मैं जितनी भी कोशिश करती हूँ सबको खुश रहती, सब मेरे से ना खुश रहते हैं, जब तक दो लोग जब तक खुश रहते उसके बाद देना लेना बंद करे तो झगड़े होते हैं। थोड़ी देर के लिए आपके सवाल को रोक रहे हैं, पहले सना के सवालात ले रहे हैं। मुझे सब एक तो काले घेरे हैं आंखों के डार्क सर्कल्स हैं। हाँ हाँ, वो जैतून का तेल लगाना तो छोड़े ना बल, और एक सेब का सिरका मंगा लें थोड़ा सा 10-20 रुपए का, और उसमें रुई भिगो भिगो के दिन में दिन एक दो बार वो और लगाएं, और 1 चम्मच ये जो बादाम का तेल होता है दूध में मिला के रात को बादाम रोगन वो पिया करें, उससे इनके एक तो बाल काले आने लगे हैं, जो कह रही थी बाल भी हाँ वालदा ही पी सकती हैं, और मालिश के लिए बालों की कलौंजी का तेल मंगा लें और उसकी मालिश किया करें हफ्ते में 1 या 2 बार, थोड़ा महंगा होता है तो इसलिए उसी जगह लगा लें जहां बाल सफेद हो रहे हो, तो इंशाल्लाह आगे बाल काले आने लगे हैं। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज 100 बार और ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 300 बार चलते फिरते पढ़े, इंशाल्लाह बहुत जल्दी बालों का भी मसला हल हो जाएगा और काले घेरों का भी। फिर साहबा के 2 सवाल आते हैं, एक तो बच्चों की रोजी का मसला है लड़कों की और लड़की की शादी की। हाँ, लड़कों की रोजी के लिए तो या जलजलाल वली कराम 300 बार, या वली या वाली या नसीर 300 बार, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 100 बार, और अपने घर में कुछ दिन अजान दिला दें सुबह शाम हल्की आवाज में, बच्चा औरत बेटी कोई भी दे सकता है, और सूरह फातिहा 41 बार पढ़ के बावजू बिस्मिल्लाह के साथ पानी दम करके 1 बार सिर्फ पूरे घर में छिड़क दें, इंशाल्लाह रोजी की बरकत शुरू हो जाएगी। कुछ सदका जो है हल्का फुल्का अपनी हैसियत के हिसाब से, चाहे 1 मुट्ठी आटा ही रोज अलग करने से लगे, क्योंकि ये बताने की हैसियत अच्छी नहीं है, तो उस हिसाब से खुद ही तय कर लें 1 रुपया 2 रुपया वो अलग कर लें, जब इकट्ठे हो जाए तो किसी गरीब को दे दें, इंशाल्लाह रोजी खुल जाएगी। रिश्ते के लिए? रिश्ते के लिए इनकी बेटी को चाहिए कि असर की नमाज के बाद 300 बार या रहमान या रहीम या अल्लाह और 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के सिर्फ एक दुआ करे अल्लाह से, 40 दिन का अमल है,
جتنے دن قدرتی چھٹی کے ہوں گے اتنے دن آگے بڑھانے ہیں بیٹی, اور کوئی ناغہ نہیں کرنے. تو یہ 40 دن کا عمل کر لے, انشاءاللہ بہت جلدی رشتہ کھل جائے گا. دوسرا کام یہ کرے کہ سورہ دعا 27 بار مغرب کے بعد ضرور پڑھا کرے, تو انشاءاللہ بہت جلدی رشتے چننے پڑیں گے, اتنے رشتے آئیں گے انشاءاللہ. چلتے پھرتے ان ربی قریب مجیب قرآن کی آیت ہے, یہ پڑھا کرے. ہمارا صاحب فرمائیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمارا ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, یہ ہمارے شوہر کا صاحب کا بہت سوال ہے. میں نے یہ پوچھا تھا, مطلب ان کا پوسٹ تھا ایل آئی سی, بتائی تھی مجاز صاحب نے, ان کو ہم نے پلائی, مطلب آرام نہیں ملا ان کو, نہ تو صاحب کھل کے بھی نہیں آرام ملا, اس لیے ہمیں پوچھنا چاہے تھے مجاز صاحب سے کہ مطلب اور کوئی دوائی تو بتا دیں. اور ہماری لڑکی ہے آپ میں, اس کو بھی بچے ہیں بابا سی کے, اور پریگنینٹ ہے, بیٹی نواں مہینہ چل رہا, اس کو بہت دقت تکلیف ہے, آپ اس کے لیے دوا بتا دیجیے. جن پروسٹیٹ ہے ان کے شوگر تو نہیں ہے؟ آپ کے شوہر کو شوگر تو نہیں ہے؟ جی نہیں. ہاں تو میں نے چھوٹی الرجی صرف پیشاب کے لیے بتائی تھی, باقی پروسٹیٹ کے لیے انہیں کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے, آدھا چمچ پسی ہوئی کستے شیری, آدھا چمچ شہد ملا کے چاٹیں صبح شام, بلکہ 3 ٹائم بھی چاٹ سکتے ہیں, اور 3 کاجو روز کھائیں, اور 3 انجیر صبح کو نہار ہوں, انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی, آپریشن نہیں کرانا پڑے گا. جی تصویر میں نے بتا دی ہوگی. صوفیہ سے بھی بات کریں گے, بواسیر کا مسئلہ بھی حل کر دیں. ہاں بواسیر کے لیے 3 انجیر وہ بچی صبح کو نہار منہ کھائے, اگر وزن زیادہ ہو رہا ہو, سانس زیادہ پھول رہا ہو, تو رات کو بھگو دے, صبح پانی پھینک دے اور کھا لیا کرے. سر دھونے کے جو ریٹھے آتے ہیں, 1 ریٹھا پیس کے یا کوٹ کے اسے نگلے پانی سے, اور اوپر سے آدھا چھٹانگ مکھن کھا لیا کرے, سفید مکھن جو ڈیری سے ملتا ہے, لیکن وہ بہت کڑوا ہوتا ہے, حلق میں رکھتے فوراً پانی پی لیں, انشاءاللہ بواسیر ختم ہو جائے گی. اگر لیٹرین جگہ پہ مسے بھی ہوں تو وہاں سرسوں کا تیل لگایا کرے دن میں 2-3 بار لیٹرین جگہ پہ, انشاءاللہ مسے ختم ہو جائیں گے. انّا ربی علی کل شئی حفیظ 100 بار, لا حول ولا قوۃ الا باللہ 300 بار. مجاز صاحب وہ پریگننٹ بھی ہے؟ ہاں پریگننٹ بھی ہے, تو گرم چیزیں نہ کھائے, انڈا گوشت بس. صوفیہ صاحبہ فرمائیے, سوال کیا آپ کا؟ صوفیہ فون لائن پر موجود ہیں. جی بہن سوال بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بجی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے, نیکی کا یہ معاملہ آپ کے ساتھ. باجی ہم ان کی لڑکی صوفیہ کی لڑکی بول رہے ہیں, باجی شبانہ بول رہے ہیں, ان کے لیے باجی دعا کریے کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں, اور جو ہے ہاں ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے. باجی 5 دن سے وہ کچھ کھا نہیں رہی, میرے 2 سوال ہیں باجی, پلیز سن لیجیے گا. صوفیہ یہ بتائیے, آپ شاہانہ کی بہن ہیں کیا؟ جی ابھی وہ بتا نہیں پائی ہے, وہ قاعدے سے بتا نہیں پائی, تو میرا فون مل گیا تو ہم بتا رہے ہیں کی بڑی بہن. چلیں آپ کا, آپ کی والدہ کا مسئلہ تو ابھی مجاز صاحب نے بتایا ہے ان کے بارے میں, اور کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی وہ کچھ کھا بھی نہیں, اور جی وہ نالے میں گری تھی, ان کے جو ہے چوٹ بھی لگی تھی, مگر ان کی نیند اس ٹائم بہت آ رہی ہے, اور کچھ کھا بھی نہیں رہی ہیں اب. ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار. امیر بانو صاحبہ فرمائیے, کیا سوال ہے؟ چاند صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی چاند فریدی بول رہے ہیں. جی چاند بھائی فرمائیے, کیا سوال؟ جی جی ہماری بیٹی ہے, 8 سال اس کی عمر ہے. ہاں اور اس کو جاڑے کے موسم میں اکثر فنگس ہو جاتا ہے, تو ڈاکٹر کو دکھایا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ٹھنڈک میں, اس کی ناک میں کچھ ٹھنڈک کا اثر ہو جاتا ہے, اور اس وجہ سے اس کو صحیح سے جب دوا وا دے دیتے ہیں تو اس سے اس کو آرام ہو جاتی ہے. فنگل انفیکشن ہے کس جگہ پر؟ چاند بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی جی جی. یہ فنگل انفیکشن کس جگہ پر ہوتا ہے؟ یہ ڈاکٹر جو کہا وہ ناک اور کان میں ہوتا ہے, دراصل ایک تو اس کی عادت تھوڑی سی منہ کھول کے سانس لینے کی ہے. ہاں ٹھیک ہے سنیے گا. جی جی جی. اصل میں مجھے لگتا ہے اس بچی کی ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہے, یہ سانس بھی نہیں صحیح پا رہا طرح لے پا رہی, کیونکہ بچی بہت چھوٹی ہے, تو اس میں تو صرف ایک کام یہ کریں کہ پھٹکری کھلا کے نا توے پہ, اور اسے پیس کے کسی ڈبے میں بھر کے رکھ لیں, آدھا چمچ پھٹکری آدھا گلاس گرم پانی میں, اتنا تیز گرم ہو کہ بچی برداشت کر لے, اور وہ ناک میں چڑھوائیں, اس کے جیسے وضو کرتے ہیں پانی چڑھاتے ہیں ناک میں, تو اس کی ناک کی ہڈی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ, سانس پراپر آنے لگے گا, فنگس ختم ہو جائے گا. کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے, چٹکی بھر کھانے کے بعد 3 ٹائم اسے دیں, اور ناک میں سرسوں کا تیل ڈالیں اس کی, اور اسے نمک کے پانی کے غرارے کرائیں, ان شاء اللہ تعالیٰ سب ختم ہو جائے گا. اگر پپڑیاں آتی ہوں ناک پہ اور کانوں پہ تو ناریل کا تیل اس کے لگایا کریں دن میں 2 یا 3 بار, اور اسے صرف یا سلام یا اللہ یاد کرا دیں, اگر پڑھ لے تو ٹھیک, نہیں تو کوئی بات نہیں. ٹھیک
नाव टल जाती है कभी कभी, उसकी वजह से जैसे लूज मोशन होने लगते हैं क्या? हाँ, उन्हें चाहिए कि एक तो कस्तेशीरी जो कूट मिट्टी कहलाती है, आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम लें, और दो चम्मच इसबगोल की भूसी एक कटोरी ताजी दही में खाने से 15 मिनट पहले खाए, और दोनों टाइम 15-20 दिन के लिए इंशाल्लाह नाव हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार, ला इलाहा इल्लल्लाह तुम्हारे निगम तुम ने तो आलमीन 40 बार। बहुत शुक्रिया मजाज साहब स्टूडियो में तशरीफ आवरी के लिए, नाजरीन की रहनुमाई के लिए। हसीना साहबा ने नासिक से जो सवाल किया उसे रोका है, और रोकने की एक वजह है कल बताएंगे और तफसील से बताएंगे, थोड़ा सा इंतजार कल तक के लिए। आज आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया मजाज साहब, अल्लाह आपको सेहत और आफियत दे, और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात हो। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है, आप सबकी पुरजोर फरमाइश पुरखलूस इस्तदा पर स्टूडियो में तशरीफ ला चुके हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान, आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तकबाल करना चाहेंगे नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के प्रिंसिपल, आलमी शोहरत याफ्ता और आलमी अवार्ड याफ्ता डॉक्टर असलम खान साहब का पुरतफा खैर मकदम। शुक्रिया। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो नाजरीन, जोड़ों का दर्द या हाथों का सुन हो जाना, अमूमन हम ये सुनते हैं अक्सर हमारे नाजरीन जो हैं वो कहते हैं कि गर्दन से लेकर कमर तक की जो जगह है, जो पोर्शन है, उसमें बहुत तकलीफ रहती है, कभी रीढ़ की हड्डी में कोई तकलीफ है, कभी इंसान खुदा ना खास्ता फालिज का शिकार हो जाता है, तो ऐसी सूरत में केमिकल्स पर बनी दवाएं तो हैं डॉक्टर साहब, लेकिन करिश्मा पेन नील ऑयल इसका क्या योगदान है? क्या इसका बड़ा वो है, चूंकि आमतौर से हम क्या करते हैं, स्टेरॉइड देते हैं उन लोगों को जिनको ऐसा हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, नमनेस हो जाती है, या डायबिटीज की वजह से नमनेस हो जाती है, या सेक्सुअल वीकनेस हो जाती है, तो उसका अभी तक कोई नेचुरल तरीका हमें देखता नहीं ऐसा। तो फिर हमने करिश्मा पेन नील ऑयल बनाया, इसमें माशाल्लाह जो इंग्रेडिएंट डाले, देखिए दालचीनी डालती है जो नमनेस को सुनपन को खत्म करती है, दालचीनी वैसे भी आप खाते हैं तो आपको पैरालाइज नहीं होगा रोजाना अगर आप, इसीलिए मसालों में डाली जाती है, लेकिन जिनकी याददाश्त कम है और जिनका पैरालाइज की या सुनपन अक्सर हो जाते हैं हाथ पैर, वो डेली चबा सकते हैं उसको अपने मुंह से, तो वो हमने इसमें इसका उसका तेल डाला है, इसमें हमने विंटर ग्रीन डाला है, इसमें हमने यूकेलिप्टिस का तेल डाला है, इसमें हमने पुदीने का तेल डाला है, इसमें जिसे मैंथोल कहते हैं, मतलब इसमें इसका ऐसा कॉम्बिनेशन किया है जो हमारे जितनी भी मसल्स हैं उनको ये हाइड्रेट भी करता है और उनका ग्लो भी बाकी रखता है, और साथ साथ ऑक्सीजनेटेड करता है हमें, ये जो ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं तो हमें क्रैम्प्स नहीं होते, जो क्रैम्प्स होते हैं टांगों के नीचे हो जाते हैं, तो ये बेस्ट वो है तरीका इसका। डॉक्टर साहब, एक कॉलर ने सवाल किया था कि उनकी बच्ची को फिट आते हैं, जी जी, तो उसमें क्या, जैसे आपने कहा कि यूकलिप्टस का तेल डाला है, बिल्कुल, तो ये जो यूकलिप्टस के पत्ते हैं अक्सर जैसे हम सुनते हैं कि इसके किसी एक कपड़े की पट्टी बना के उसमें पत्ते डाल के कुछ दिनों के लिए बांध लें, तो उसकी तासीर से भी कुछ आराम मिलता है? उसकी तासीर होती है, यूकलिप्टस की खुशबू आपने कभी सूंघी हो बड़ी अच्छी लगती है, और एक और का फायदा है, आप जो बाजार से ऑटोमास या कोई भी चीज लाते हैं वो मत लाइए, आप यूकेलिप्टस की जो पत्ती है उसको हल्के से मल लीजिएगा,
अपने जिस्म पे मच्छर आपको नहीं लगेंगे, ना तो एडीज मच्छर लगेगा ना कॉमन मलेरिया के मच्छर लगेंगे। ये हम जो तेल बन डालते हैं, ये जो तेल हमारा है करिश्मा पेनी, इसको मल लीजिए, दो चार बूंदे लगा लें। जी, दो चार बूंद लगा लें और एक दो बूंद इसकी सुबह शाम पी सकते हैं, डायबिटीज भी पी सकते हैं, ज्वाइंट पेन भी पी सकते हैं। ज्यादा ये बहुत तेज है चूंकि इसमें हमने कोई भी डाइल्यूट करने के लिए चीज नहीं डाली, सब चीजें ओरिजिनल शक्ल में डाली है, तो इसको कंसंट्रेटेड है इसको, इसकी एक दो बूंद, एक बूंद एडल्ट के लिए बहुत है, बच्चे के लिए आधी बूंद बहुत जरा सा पिला सकते हैं उसका, अगर पेट में कॉलिक है तो भी ठीक हो जाएगा, ज्वाइंट्स पेन है तो भी ठीक हो जाएगा, चूंकि ऐसी चीज है माशाल्लाह फौरन जो है उसको हर चीज में फायदा होगा। हम जरूर जानेंगे कि जो आसाबी बीमारियां हैं उसके लिए ये उसमें ये कितना मुआविन साबित होता है। लेकिन शाहिद भाई से बात कर रहे हैं, मुंबई से हमारे साथ हैं। जी शाहिद भाई फरमाइए। शाहिद भाई हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रहे हैं। जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? जी डॉक्टर साहब ने जो हम डॉक्टर साहब का जो माजून हमने इस्तेमाल किया है, हाँ जी भाई बताइए, जी उससे हमारे जो फादर हैं उनकी किडनी बच गई डायलिसिस होने से। बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा, अल्लाह ताला शिफा दे उन्हें और मुकम्मल शिफा दे। देखिए बताएं हम आपने आपने बहुत अच्छा क्या नहीं खिलाई, क्योंकि एलोपैथिक में कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जो आपकी किडनी को प्रिजर्व करती हो या आगे के लिए हिफाजत करती हो, वो फौरी तौर से आपका यूरिन पास करा देगी, आपकी कहना चाहिए इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल कर देगी, लेकिन किडनी को आगे के लिए हमारी जो माजून है आगे के लिए महफूज रखेगी। और आखिरी जो इलाज है एलोपैथिक में ट्रांसप्लांटेशन है, वो भी बहुत मुश्किल से होता है, 6-8 महीने नंबर लग जाता है तब जाकर के होता है लोगों का, और 8-10 लाख रुपये खर्च होते हैं, उसकी भी जो एवरेज एज है 5 ईयर्स है ओनली, ये नहीं भी नहीं कि वो लगवा के आप सारी उम्र बहुत अच्छा जी सकते हैं। तो आप इसको अगर कोई भी क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, या किडनी में फेल्योर है किडनी का, या आप वो करा रहे हैं क्या कहते हैं ट्रांसप्लांट, नहीं नहीं डायलिसिस करा रहे हैं सपोज, तो डायलिसिस की अगर आप महीने में 4 बार करा रहे हैं इसे खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको 2 बार, उसको और लगातार खाएंगे तो 1 बार, उसके ऐसा ऐसा भी डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसको लगातार 6-7 महीने खाते रहें और अब फिर भी साथ में कोई प्रॉब्लम है तो उसके साथ में और भी मेडिसिन दी जाती है, सिर्फ यही नहीं कि आप इसे लेते रहें। पुनर्नवा है अगर आप चाहते हैं, जैसा आप इन्होंने अभी जिक्र किया, वो अपने वालिद को पुनर्नवा के एक फंग की सुबह एक पुनर्नवा शाम देते रहें, पुनर्नवा बेस्ट है किडनी के लिए साथ साथ हमारी माँ जो उनका, तो हमेशा ठीक हो जाएगी हमेशा के लिए, ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब अभी पेनिल ऑयल में आपने बताया कि जिन लोगों को शुगर है वो एक बूंद ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आप ये देखें कि डायबिटीज जो है ये हमारी किडनी को भी मुतासर करती है, तो ये एक बूंद बिल्कुल शुगर को भी कंट्रोल करेगी और गुर्दे को भी बचा लेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बल्कि तजर्बा होता है, हमने तजर्बा किया कि इसके ये नमनेस को खत्म करता है। अभी हमारे पास पेशेंट आए बहुत दिन से, वो हमारी दवा इस्तेमाल कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अदा करना है कि मेरा करिश्मा पेनी ऑयल से मेरी सेक्सुअल वीकनेस भी ठीक हो गई, पता है कितनी बड़ी बात, वो बहुत ही खुश, इसका शुक्र गुजारा फोटो वोटो साथ ले गए हमारे आके हॉस्पिटल में आए थे, तो बताइए बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते, वहाँ तक मरीज तजर्बे से पहुँच के हमें बताता है कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा फायदा दे रही है। बिल्कुल, अरबी का मकोला है कि इस अलिल मुजर्रब वला तसअल तबीब, के आजमाए हुए से पूछिए डॉक्टर से ना पूछिए, क्योंकि यहाँ वो सनद के साथ अपनी बात कह रहे हैं। बिल्कुल, बहुत खुशी से आई पूरी फैमिली, वो लोग आए थे और साथ में कुरान ले गए, वो बहुत शुक्रिया अदा करने के लिए, फरीदाबाद से आए थे माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत मुबारकबाद डॉक्टर साहब। तो हमारे एक बार फिर जैसे कि कुछ लोगों को गठिया है, जॉइंट्स पेन है, तो कहते हैं कि गठिया जो है ये बहुत सताती है, बहुत जिद्दी बीमारी है, करिश्मा पेनिल ऑयल में कैसे? तो ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, ये जो पेनिल ऑयल है, और साथ साथ हम बड़ी थेरेपी भी करते हैं और स्टीम बाथ देते हैं, उसमें सौंठ डाली जाती है, उसमें पाइलोकार डाली जाती है, जो भाप उठाई जाती है ना, वो भाप जो जब अंदर जाती है और अंदर से जो इम्प्योरिटीज बाहर निकाल के दोबारा लाती है, तो बिल्कुल हल्का, जो आते हैं हमारे यहाँ ऐसे गठिया के लोग जिनके हाथ पैर जुड़ गए हैं, मुश्किल से 2-3 घंटे बाद शिरोधारा करते हैं, उसके बाद स्टीम बाथ देते हैं, स्टीम बाथ में वो दवा डाली जाती है जो उनकी बोन्स में से जो गंदगी है जो अब तक उन्होंने खाया पिया है डॉक्सिफाई कर देती है, और वो ठीक हो जाते हैं माशाल्लाह। तो जो क्या कॉस्ट है डॉक्टर साहब इसका, किसकी ये सारे प्रोसेस का, ये जो शिविर अच्छा ये तमाम देखिए, अभी मैं लियोनिया गया था हैदराबाद में, तो वहां तो 25,000 रुपए पर डे लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर सिर्फ आपको ताज्जुब होगा 1,000 रुपए स्वर्णाबाद का है, 1,000 रुपए शिरोधारा का है, और 1,000 रुपए जो है स्टीम बाथ का, और उसमें भी हम ये देखते हैं कोई गरीब है तो उसे भी हम रियायत कर देते हैं, मतलब हम सोचे जो खर्च है बस हमारा वही निकल जाए तो भी ठीक,
हम ये सोचते हैं कुछ ज्यादा नहीं, चूंकि मुझसे उन्होंने खुद ताज्जुब किया, मुझे कंसल्टेंट की हैसियत से उन्होंने बुलाया था कि आप हमारे यहाँ काम करें। अभी अमृतसर से में भी बहुत बड़ा सेंटर है, वो भी कह रहे थे कि भाई हमारे यहाँ तो 15,000 रुपए है, आप लोग बोल के 2-3 हज़ार में कर देते। कैसे कर लेते हैं, यही सवाल जहन में नहीं तो जो हमारी कॉस्ट आती है हम सोचते हैं उससे प्लस 20%, 30% थोड़ा बहुत जो बच्चे हमारे स्टाफ की सैलरीज निकल जाए, हमारा बिजली का बिल निकल जाए, चूंकि सोना बात में बिजली बहुत ज्यादा खर्च होती है, तो ये सब चीजें जो है देख करके कर लेते हैं, जो भी अच्छा है लोगों को फायदा पहुंचे। और हमारे यहाँ है भी नहीं सहारनपुर में या आसपास कोई ऐसा, तो ये भी एक वो सोचते हैं कि इतनी दूर से आए हैं तो हम कर देते हैं। और यही वजह है कि बहुत रीजनेबल ये चार्जेस हैं मरीजों से, जब वो आए तो एक तो टॉवल साथ लाया करें, एक दो जोड़ी कपड़े अलग से भी साथ लाया करें, जो इशरोधारा करते हैं स्टीम बात करते हैं तो अक्सर लेडीज है वो कहती है हम तो ऐसे चलाए, तो जब भी को आए तो फोन करके आए तो पहले कि हम वहाँ मिले और साथ साथ अपने साथ में एक्स्ट्रा कपड़े और तो टॉवल्स वगैरह जरूर लाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम एक बार फिर आते हैं करिश्मा पेन नेल ऑयल की तरफ। आपने क्रैम्प्स का जो जिक्र किया, हमारे पास वक्त नहीं है जी जी, फिर अगली मुलाकात में जी चलिए अगली मुलाकात में इंशाल्लाह। आज आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन वक्त हुआ है इजाजत लेने का, अगली मुलाकात तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। CAA की मुखालफत में दिल्ली में तशद्दुद बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली के भजनपुरा में हो रहे पुरतशद्दुद मुजाहरे में एक हेड कांस्टेबल रतनलाल शहीद हो गए, जबकि अलग अलग मामलों में 6 लोगों की जान जाने की खबर है। मुजाहरीन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान शाहदरा के DSP अमित शर्मा जख्मी हो गए, जिनकी हालत अस्पताल में नाजुक बनी हुई है। उनकी न्यूरो सर्जरी की गई है, उनके सिर में खून का क्लॉट जम गया था। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, भजनपुरा, खजूरी में मुजाहरीन ने कई जगह आगजनी की। पुरतशद्दुद मुजाहरे को देखते हुए पूरे इलाके में कसीर तादाद में पुलिस फोर्स तैनात। पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली के सभी जिलों में DCP को सख्त हिदायत दी, हालात पर काबू बनाए रखा जाए, किसी भी हालत में पथराव आगजनी ना हो। दिल्ली की सभी फोर्स को अलर्ट पर रखा गया है, सभी मजहबी मकामात पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 50 से 60 पुलिस अहलकार जख्मी हुए हैं, हालात संभालने की कोशिश की जा रही है। मीडिया से माहौल खराब करने वाले वीडियो नहीं चलाने की अपील की गई है, सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में आगजनी के बाद दफा 144 नाफिज कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक शुमाल मशरिक दिल्ली में CRPF की टोटल 8 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं।